एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और मैं जा रही हूँ घूमने। ये देखो, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, हस्बैंड भी जा रहा है। हस्बैंड जब हमारे, हम लेके नहीं जा रहे थे उनको, तो लग गए। ठीक है, अब अच्छा लगेगा उनके साथ, बच्चों के साथ अच्छा नहीं। ये छुप के कपड़े चेंज कर रहा था, मैं अंदर घुस आई, मैं इधर। और आज देखिए मैंने ब्लैक पहना है, ब्लैक के साथ ये पहना है, ब्लैक और पिंक पहना है, और ब्लाउज पहना है ये स्लीप वाला। मैं खुद स्टिच करती थी अपने ब्लाउज, बस काफ़ी टाइम से ना क्या है, आंखों में प्रॉब्लम हो रही, विजन मेरा बहुत कमज़ोर हो गया पास वाला, इसलिए मैंने बंद कर दिया स्टिचिंग करना। कभी कभी एक आध साड़ी खरीदती हूँ तो मैं सिल लेती हूँ, नहीं तो नहीं सिलती हूँ। बाहर की भी सिलती थी पहले, बट काफ़ी टाइम से नहीं सिल रही हूँ। पापा को कहाँ ले जा रही हूँ, मैंने कहा यार पापा को ले जाएंगे तभी तो अच्छा लगेगा, इंटरटेनमेंट होगा, नहीं तो अपन बोर हो जाएंगे। पापा ही तो इंटरटेनमेंट करते हैं, सही बताऊँ तो पापा ही के साथ अच्छा लगता है, बच्चों के साथ अच्छा नहीं लगता। बच्चे तो सूमड़े होते हैं, हस्बैंड के साथ तो बात कर लो, बोर नहीं होते हैं। आया है कैसा लग रहा है, ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, मतलब 8-9 साल तो हो गए हैं इसको। बहुत सस्ती साड़ी है ये, और आप चौंक जाएंगे, ये मात्र 250 रुपये की साड़ी है ये, सोच लीजिए वो 500 रुपये का लुक देती है। आज सैटरडे है, क्या है, सैटरडे को छुट्टी रहती है बच्चों की, इसलिए है ना थोड़ा घूम आते हैं इधर तक ही आ रहे हैं थोड़ा सा। और हम, मेरे हस्बैंड और मैं तो बहुत घूमती है भाई, हमारा तो घूमने का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। हम लोग घर में नहीं रहते, हमारे पास फालतू का पेट्रोल है, घूमते रहते हैं। अरे यार यही तो ज़िंदगी है, इतना टाइम तो संघर्ष में निकाल लिया 30 ईयर, बट अभी तो घूमने का टाइम है। आप लोग सोच रहे होंगे 30 साल घूम निकाल दिए, अब वो इस हिस्ट्री में आपको बाद में बताऊँगी, मेरी शादी कब हुई थी, कितनी एज में हुई थी और कितनी एज की अभी मैं हूँ, आप सबको बाद में बताऊँगी। और बच्चे को देख के आपको लगता होगा कि मेरी एज काफ़ी है, बट उतनी है नहीं है मेरी एज। क्या है, मैं खुश रहती हूँ। मेरी स्ट्रगल वाली कहानी आप सुनेंगे तो आप लोग रो देंगे, वो मैं आपको दूसरा चैनल पे दिखाऊंगी आपको कि मेरे स्ट्रगल कैसा था, कैसे मैंने संघर्ष किया है ज़िंदगी में, कितनी एज में मेरी शादी हुई थी उसके टाइम से मेरा संघर्ष जो चालू हुआ है। तो मतलब अब वो थोड़ा ठीक है, मतलब बट उतना भी ठीक नहीं है, ठीक ही है, मतलब ये बोलेंगे, बट कभी हम परेशान नहीं हुए। बोलते ना ईश्वर जिसके साथ है वो इंसान कभी परेशान नहीं हो सकता। आपको गिराने वाले तो बहुत मिल जाएंगे पर उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं। हम अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, हमने अपने बल पे ही सब किया है, हमको इतना बड़ा परिवार होते हुए, परिवार में सब कुछ होते हुए हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं था। ये हम, मैं आपको पूरी ज़िंदगी की मेरी सच्चाई बताऊँगी आपको। मेरे बच्चे हैं ना बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को है ना जब से उन्होंने 12वीं पास करी है अपने बल पे ही, बेटी जब ही से जॉब कर रही है मेरी, कुछ ना कुछ करती रहती है और अपना खुद का खर्चा निकालती है। हस्बैंड का भी छोटा सा व्यवसाय था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया बच्चों के लिए, इतना कोई नहीं कर पाता है। और क्या है, मैं हंसती हूँ तो आप लोगों को मेरा वो नहीं दिखता होगा, बट आपको सारा चीज़ें मैं चैनल में दिखाऊँगी आगे चल के। मस्त हवा आ रही है, मस्त आ रही है हवा, फ्रेंड हम अच्छे से घूम रहे हैं। ये देख लीजिए कैसे घूमते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए अब हम लोग वापस आ गए हैं घर, कहाँ कहाँ घूमे, मैंने फोटो नहीं लिए। अभी मार्केट और जाना है, ग्रीन सब्जी लाना है, इसलिए देखिए आई हूँ ना बाहर से, तो मैंने ये टी बनाई है। जो बाहर जाते हैं गाड़ी पे ही थकावट हो जाती है, तो थोड़ी सी पीती हूँ, ज़्यादा नहीं है, जरा सी पीती हूँ। कितना बड़ा कप है आप खुद देख सकते, जूम करे हो, ये देखो कितना बड़ा कप पीते, फुल भरा हुआ बिल्कुल, देखो अभी वो गणपति जी जैसे पड़े रहते हैं ये दिन रात। वो सोफा है ना हमारा, बहुत झुक गया वो, कोई ना कोई नहीं तो अभी है ना धुन देंगे सबको, हम लोगों को धुन देते हैं, बता
बोलना गुनाह है हमारा तो भैया घर में। देखो एक ही ऐसे पड़ा रहता है भैया, ये पलंग पे पूरी इसने पढ़ाई भी कर ली ऐसी पड़ा पड़ा, और ये दिन भर ऐसे पड़ा रहता काम, पूरी जिंदगी ऐसे एक कमरे में निकल गई, मतलब इसी पलंग पे निकल गई। मतलब जब ये पैदा हुए थे ना, जब छोटे छोटे थे जब के ये पलंग है, तब से बेचारे यही चला रहा है। बोले मनुष्य की जिंदगी में जितना संघर्ष रहता ना वो ही पता चल सकता। इसी पे पढ़ाई करते थे पूरा, देखो बोल भी रहा है वो इसी पे पढ़ाई करते थे, और अभी भी वही पलंग चल रहे हैं। आपको बताऊंगी, मैंने अभी बताया था ना स्ट्रगल हमारा, जो स्ट्रगल आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा हमने कितना स्ट्रगल किया। जो इंसान को देख रहा है ना, ये इनने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, बहुत संघर्ष करा इन्होंने जिंदगी में, इतना संघर्ष करा मतलब कोई की सपोर्ट भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी मतलब जिंदगी में जो जो करना था कर लिया। बस ये है, इंसान अपना खुद का वो नहीं बना पाता है, पर अपने बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ कर ही देता है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।